स्वागत है किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप किसान हैं तो हम लोग एक अच्छे विषय पे आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम लोग किसानों के लिए स्पेशली लेके आए हैं, जो कि किसान किस चीज़ की खेती करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है और कम इन्वेस्टमेंट में भी वो अच्छा कमा सकता है। तो अगर हम बात करें ये खेती के बारे में, तो ये बैंगन की खेती है कि बैंगन की खेती हम कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे इनकम तक पहुंच सकते हैं और किसान काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो बैंगन की खेती करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि किन किन बातों का ख्याल रखेंगे बैंगन की खेती करते समय। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे कि हमारे एरिया में, हम जिस एरिया में भी फार्मिंग करना चाहते हैं, उस एरिया में किस बैंगन की किस्म की डिमांड है। जैसे कभी कभी किसी एरिया में लंबे बैंगन की ज़्यादा डिमांड होती है, किसी किसी एरिया में जो भरते वाली बैंगन होती है गोल वाली, उसका ज़्यादा डिमांड होता है। तो किसान ये सुनिश्चित करें कि हमारे एरिया में किस टाइप की बैंगन का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि किसानों को इससे आय अच्छा मिलेगा। दूसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा रहता है कि हम किस समय में लगाएं और कब लगाएं बैंगन की खेती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंगन की खेती का समय, तो अगर हम लोग बात करें समय का, तो बैंगन की खेती जो हमारे देश में सालों भर की जाती है, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो आप जून जुलाई में कर सकते हैं और बैंगन की खेती आप दिसंबर जनवरी में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं इसको। तो इसको लगाने का जो तरीका है, या तो आप जो नर्सरी से खरीदते हैं पौधा, हम पौधा खरीद सकते हैं, आपको प्रति पौधा जो है वो 2 से 2.5 रुपये पड़ता है ऑलमोस्ट। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, जो पौधा है वो आपको 30 से 40 दिन में नर्सरी आपका तैयार हो जाता है। और प्रति एकड़ में हमारा जो पौधा का संख्या होता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार पौधा लगता है प्रति एकड़ में। अगर हम दूरी की बात करें कि हमारा पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होना चाहिए और जो हमारा पौधा से पौधा का दूरी क्या होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बैंगन का पौधा होता है वो काफ़ी बूसी होता है, वो डिपेंड करता है आपके वैरायटी पे। तो इसलिए हम वो दूरी रखते हैं, कम से कम हमारा जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होना चाहिए 3 फीट होना चाहिए, और जो हमारा बैंगन से बैंगन का दूरी होना चाहिए, वो बैंगन से बैंगन की दूरी हमारा कम से कम 2 फीट होना चाहिए, क्योंकि हमारे बैंगन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है और वो अच्छा फलन देता है लंबे समय तक। दूसरा हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे हम अगर प्लांट सोइंग कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे बैंगन की खेती में कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, देखा जाता है ऐसा। तो बैंगन की खेती करते समय कीटों का सोलूशन ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप जो ट्रैप होता है, तो फनल ट्रैप आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है थेरेमोन ट्रैप, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का जो कारण है, तो जैसे जो हमारे पतंगे होती हैं खेतों में, तो पतंगे उस ट्रैप में आकर फंस जाती है, आकर्षित हो जाती हैं, और वो मेल पतंगे होती है, और मेल पतंगे फीमेल पतंगों के साथ संपर्क नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उनका तादाद नहीं बढ़ पाता है, और हमारा जो जो सुंडियाँ होती है, सुंडी लग जाते हैं हमारे बैंगन के खेत में। तो जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे हमारा बैंगन है, इसके ऊपर ये सुंडी लग जाता है और अभी से ही वो अंदर अपना घर बना लेता है, जिसके वजह से जब हमारा फ्रूट आता है वो तो वो सड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 40 से 50% जो हमारा बैंगन होता है वो ऐसी सुंडिया की वजह से ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग ये लगाते हैं ट्रैप, थेरेमोन ट्रैप या फिनल ट्रैप आप लोग लगा सकते हैं। और हम अगर इसके बाद अगर बढ़ के बात करें, जैसे किसान कीटों का प्रकोप कर लेते हैं, उसके अलावे अगर हम बात करते हैं फ़ायदे का, हमारा कितना यील्ड होना चाहिए, उसके लिए जब हम किसानों से बात करते हैं तो देखते हैं कि फ़ायदा ही किसानों को चाहिए अल्टीमेटली, जो भी किसान खेती करते हैं। तो हम लोग उसी पर अभी बात करेंगे। जैसे अगर 6 महीना में हमारा पौधा तैयार होता है
तो अगर हम देखते हैं कि कम से कम 4 से 5 केजी हमारा प्रति पौधा 5 से 6 महीना में हमारा प्रति पौधा निकलता है, जिसके वजह से हम लोग बात किए थे कि 6000 ऑलमोस्ट हमारा पौधा प्रति एकड़ लगता है। इससे हमारा 25 से 30 टन माल निकलता है बैंगन का। अगर लोकल मार्केट में हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमको 10 से 15 रुपए भी रेट मिलता है, तो ऑलमोस्ट हम 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से 1 एकड़ में कमा सकते हैं, और खर्च इसमें बहुत कम लगता है। अगर आप ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 80 से 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, जिससे आपको मुनाफा काफ़ी अच्छा होगा। आपका 3 लाख रुपया प्रोडक्शन आता है और 1 लाख रुपया आपका खर्च आता है, तो आप 6 महीना की खेती में आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं 2 लाख रुपया, जो कि और खेती करने के मुकाबले अगर देखा जाए तो किसानों के लिए यह बेहतर खेती का माध्यम है, तो इसको करके आप अच्छा कमा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको बैंगन की खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।